नमस्कार दोस्तों, एकता रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंग की दाल, जो खाने में बहुत टेस्टी है और झटपट बनकर तैयार हो जाती है। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं मूंग की दाल, जिसके लिए मैंने 2 कटोरी मूंग की दाल ली है। ये दाल मैं 8 से 9 लोगों के लिए बना रही हूँ। दाल को मैंने भिगो दिया था आधे घंटे पहले। अब दाल को हम अच्छे से धो के साफ कर लेंगे, गैस ऑन कर देंगे, कुकर रखेंगे, कुकर के अंदर धुली हुई दाल डाल देंगे। अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास और ये 4 गिलास। अगर पानी कम पड़ा तो फिर हम बाद में और डाल देंगे दाल बनने के बाद। अब हम इसके अंदर 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 चम्मच हम तेल का डाल देंगे, इससे दाल का जो टेस्ट है वो काफ़ी बढ़ जाता है। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम कुकर के ढक्कन लगा देंगे। दाल को हमने भिगो के रखा था इसलिए दाल जल्दी बन जाएगी, इसलिए हमें ज़्यादा बड़ी सीटी नहीं लगानी है। 1 सीटी लग गई है और ये दूसरी। अब गैस को हम बंद कर देंगे, ज़्यादा बड़ी सीटी हमने नहीं लगाई है और इसका प्रेशर इसी के अंदर रहने देंगे। गैस ऑन कर देंगे, कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई के अंदर हम तेल डाल देंगे, मैं रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ, आप सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। 2 चम्मच मैंने तेल लिया है। तेल अच्छे से गर्म होने पे हम 1 चम्मच इसके अंदर जीरे की डाल देंगे। एक चौथाई चम्मच राई डाल देंगे, 2 पिंच के करीब हींग डाल देंगे और मैंने 10 से 12 लहसुन की कलियां ली हैं जिनको बारीक काट लिया है, वो भी डाल देंगे। अगर आप प्याज डालना चाहते हैं तो बारीक काट कर प्याज भी डाल सकते हैं। लहसुन को हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे और मैंने 2 हरी मिर्ची ली है जिसको बारीक काट लिया है, वो भी डाल देंगे। देखिए लहसुन और हरी मिर्ची अच्छे से भून गई है। मैंने 2 टमाटर लिए हैं बड़े साइज के जिनको बारीक बारीक कट कर लिया है, वो भी डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम टमाटरों को भून लेंगे। अब हम इसके अंदर 1/2 चम्मच अदरक का पेस्ट डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप अदरक को काट कर भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे टमाटर के साथ। एक चम्मच हम लाल मिर्ची का पाउडर डाल देंगे, तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 चम्मच हम धनिया पाउडर डाल देंगे और दोनों मसालों को हम आपस में अच्छे से टमाटर के अंदर मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है, हाई नहीं रखना है, नहीं तो मसाला जलने लगेगा। 1/2 चम्मच ही हम गरम मसाला डाल देंगे, ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद हो तो डालें वरना ना डालें। और थोड़ा सा पानी डाल देंगे। मिक्स करते हुए हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा मसाला जो है भुन गया है, मसाले ने अच्छे से तेल छोड़ दिया है। 1/4 चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च डाल देंगे, इससे हमारी दाल के अंदर बहुत ही अच्छा कलर आएगा और दाल जो है खाने में स्वादिष्ट लगेगी। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम तड़के वाली कढ़ाई जो है वो हटा देंगे और दाल का कुकर जो है इस गैस पे रख लेंगे। देखिए इसका प्रेशर निकल चुका है, दाल जो है हमारी काफ़ी गाढ़ी है, आप देख सकते हैं। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे 1 गिलास। दाल को गाढ़ा पतला आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम गैस ऑन कर देंगे
और जो हमने तड़का बनाया था वो दाल के अंदर डाल देंगे। ये दाल खाने में बहुत टेस्टी बनती है फ्रेंड, एक बार आप इस तरह से दाल ज़रूर बनाएं, आपको काफ़ी पसंद आएगी, आपकी फैमिली को काफ़ी पसंद आएगी। आप इस दाल को पूड़ी, चपाती, राइस जैसे चाहे खा सकते हैं और अच्छे से मिक्स कर देंगे और दाल के हम एक या दो उबाले दे लेंगे जिससे सारे मसाले दाल के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे, कसूरी मेथी की जगह आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं, मैंने रोस्ट की हुई कसूरी मेथी का यूज़ किया है। अच्छे से मिक्स कर देंगे और दाल को हम उबाल लेंगे। आप देख सकते हैं दाल के उबाल आ गया है। अब दाल को अच्छा सा टेस्ट देने के लिए मैं देसी घी का तड़का लगाऊंगी, ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद हो तो डालें, नहीं तो ना डालें। गैस मैंने ऑन कर दी है, अब हम 2 चम्मच इसके अंदर देसी घी डाल देंगे और घी को हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे। घी अच्छे से मेल्ट होने पर हम इसके अंदर थोड़ी सी राई डाल देंगे, बिल्कुल थोड़ी सी, 1/4 चम्मच के करीब। गैस का फ्लेम एकदम लो रखेंगे, 2 पिंच हींग डाल देंगे, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा और दाल में जो बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। मैंने 2 सूखी लाल मिर्च ली है जिसको तोड़ के हम तड़के के अंदर डाल देंगे। अब मैंने लाल कश्मीरी मिर्च ली है, 1/4 चम्मच के करीब वो डाल देंगे और गैस को हम बंद कर देंगे और ये तड़का हम दाल के अंदर डाल देंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी और दाल जो है वो दिखने में सुंदर लगेगी। देखिए फ्रेंड, हमारी दाल फ्राई तैयार है, बहुत ही टेस्टी बनी है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और एकता रेसिपी चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।